भारतीय जनता पार्टी के असंध हलके से उम्मीदवार सरदार बख्शीश सिंह अपने चुनावी दौरे के दौरान हलके के गांव बड़ौदा में पहुंचे। यहां पर ग्रामीणों में उनके आने से गहरा रोष दिखाई दिया। ग्रामीण जब अपनी सड़कों व सीवरेज से संबंधित समस्याएं कहने के लिए पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह से मिलने गए तो भाजपा के लोगों की उनके साथ कहासुनी हो गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में विकास कार्य न होने के कारण गांव के लोग एवं कुछ युवा काले झंडे दिखाने के लिए सड़क पर खड़े थे, तो वहां से गुजरते हुए सरदार बख्शीश सिंह के समर्थकों द्वारा ग्रामीणों पर छींटाकशी की गई, जिससे गांव के बस स्टैंड पर तनाव का माहौल पैदा हो गया और सरदार बख्शीश सिंह को वहां से बिना वोट मांगे ही बेरंग लौटना पड़ा। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। हमने तो जी बख्शीश सिंह की शक्ल भी नहीं देखी जी, सच्चाई तो ये है। और यहाँ पे बैठे थे सभी ग्रामवासी, सभी युवा बच्चे, हमारे यहाँ खिलाड़ी हैं जो बाहर एशिया में भी खेल के आई है, हमारी 5 गुड़ियाँ हैं। तो हम ये समस्या बता रहे थे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बुरा हाल है। ये बच्चे देखो स्कूल से आ रहे हैं, इनको निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, ठीक है, वाकई कुछ नहीं हुआ। हम तो सिर्फ उसको ये काले झंडे दिखा रहे थे कि भाई हमारे गांव का कोई सुधार करो। हम यहाँ से पूरा मतलोडे तक असन तक जाते हैं यहाँ से आदमी, तो या तो ओवर ब्रिज बना दो या सीवरेज। गांव वासी दिखा रहे थे सभी, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, वो चले गए, हमारी समस्या सुनिए नहीं, वो गाड़ी में बैठे चले गए। ग्रामीणों ने विरोध जताया उनका? ग्रामीण तो मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे सभी। क्या नाम आपका? मेरा वैसे तो देवेंद्र पुनिया के नाम से है, मैं गांव बड़ौता से हूँ, बिल्लू बड़ौता के नाम से मेरे को सभी जानते हैं। मैं आम आदमी हूँ इस गांव का, समाज सेवी हूँ, रामलीला का प्रधान रहा गांव में, कोई भी काम करवाना, कबड्डी, कुश्ती, दंगल, भंडारे, यह मैं सेवा करता हूँ दिल से, सच्चा जी। हाँ जी, तो क्या वाक्य हुआ था? वाक्य उसके बारे में तो हमने गए नहीं जी उधर, क्योंकि हम किसी भी पार्टी से कोई भी, हम तो मान सम्मान करते हैं सभी पार्टी का, हम उधर गए नहीं। क्या पता उनके बंदे क्या था कौन था, ये कोई नहीं जानता। इतने खड़े हैं, किसी से पूछ लो, साफ सुथरी बात है, उधर तो कोई गया ही नहीं। इधर से उन्होंने उनका एक क्या था, कौन थे, कौन आया, क्या हुआ, उसके बारे में हमने पता नहीं। नहीं, सुनने में आया था कि अब कुछ यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग, अपनी समस्याओं से अवगत करवाना चाहते थे बख्शीश सिंह जी को, और वो सुनने को आतुर भी नहीं थे। सुनने में तो सभी गए आ रहा जी, जैसे कोई उधर गया होगा, तो शुरू से ही काम है, पहले बख्शीश जी का बहिष्कार कई बार हो चुका है, लेकिन ऐसा वाक्य हमने नहीं पता उनका, उनमें से किया या खुद उनके करने वाले थे, वो हमने नहीं पता हुआ क्या किसी भी, बताइए आप। ये नहीं पता, वो मांग मांगी गई थी किस लिए, किसी यहाँ से तो इस तरफ से कुछ नहीं हुआ। वहाँ वो पता नहीं, वो उनके लोग थे या क्या था, मतलब इस बात का हमें नहीं पता किसने क्या हुआ, हुआ हमें तो ये भी नहीं पता क्या हुआ। हम तो बाद में आए जब वो हो गया था, वही तो पूछना चाह रहे हैं, हुआ क्या था, पता नहीं सर इसके बारे में तो कुछ कहना चाहेंगे? ना कुछ नहीं, मारवाने के बारे में जो मालिक करेगा सबका ठीक करेगा। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, चुनावी माहौल कैसा आपके यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बख्शीश जी का माहौल है, बीजेपी के अच्छा यहाँ रोचक वो है मुकाबला। और ये अपना जो विधायक पहले भी 5 साल रहा, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, कोई शरारती तत्व तो होगा, एक आधा कोई ये झगड़ा वगड़ा जुकर करे, कोई काले झंडे दिखा दे, कोई पुतले फूक दे, ये ऐसा कुछ नहीं तो होंगे, कुछ ऐसा कुछ हुआ पता नहीं, कुछ था हुआ यहीं से पता लगे, थोड़ा हुआ दूरी पे, हम तो अंदर थे जी, तो उसकी फिल्म बननी होगी, वो अपने आप आ जाएगी नेट पर जो भी थे, तो अपना बाकी शांतिपूर्वक है, कोई सी बात नहीं जी। बड़ोता नहीं पता, आपके गाँव में कोई समस्या ऐसी है जो आप, जो जिस उम्मीदवार को आप चुनने जा रहे हैं उससे आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव का विकास हो, कैसा विकास हो? तो सब जाना चाहिए विकास हो गांव का, क्या कमी है आपके गांव में? आपने देखा जो क्यों रहा, मतलब मुख्य मांग आपकी सड़क निर्माण है? हाँ, सड़क निर्माण है, बाकी ये नाले है ना, तो नाले टूटे पड़े हैं, ये सड़क का ये सरकार का नहीं, तो थोड़ा वो है जो ठेकेदार है ना, वो इसमें दिक्कत डील कर रहा जी सारी, ये नाले खराब हो रहे इस करके ज्यादा तो कुछ ये हो रहा, ये देखो धूल मिट्टी कितनी उठ रही है गांव में। जो उम्मीदवार चुन कर आएंगे आप उनसे उम्मीद करते हैं कि गांव का और अधिक विकास हो? हाँ जी, हम तो उम्मीद करते हैं भाई ये अच्छा विकास होगा, ये बड़ी अच्छी रोड लाइन बन गई हमारी, बार ली हुई 4 लाइन उधर की बन गई है, ये थोड़ा टुकड़ा रह रहा जी गाँव का, ये नाले नूड़े ये ठेकेदार कर रहा जी, कोई दिक्कत
प्रशासन जेबीडी बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।